आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान है, जो यहाँ बाहर सब दुकानें लग रही है, जो बाहर से आते हैं बेच बाच के चले जाते हैं। हम लोगों मंजी का मंडी कर्जा हो गया किसी 20,000 किसी 30,000, और लोग यहाँ शाम को सड़ा गल के फेंक देते हैं, दुकानदारी हो नहीं रही बिल्कुल, ये लोग बेच बाच के चले जाते हैं। कृपया इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जी जितने बाहर लगे इनकी बिक्री हो जाती है आप लोगों की? बिक्री हो जाती है, हम लोग बैठे रह जाते हैं यहाँ पे, ग्राहक लेके बाहर से निकल जाता है, ये समझिए। इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता? हाँ, अधिकारी भी नहीं हटा पाए, काफी पहले हटाया भी, मगर फिर वो लोग आके भाई लगाने लगे। अब फल वाले जो है खास कर उन्हीं की वजह पूरे बाजार बाहर लगती है। आपके अंदर दुकान अलाउड नहीं हुई मैडम? आए फिर यहाँ क्यों लगाते हो आप? सबकी बाहर लगी तो हमने भी बाहर लगाई अपनी। सबकी तो नहीं लगी, बहुत लोग अंदर बैठे, बहुत लोग लगाए हुए, मेरा जो सब बाहर भागे तो हम लोग भी बाहर भागे, अंदर ग्राहक नहीं आते। अभी हम लोग शाहजहांपुर के ये दर्रा फाटक वाले एरिया में आओ, ये जो दुकान है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी दुकान है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सारी की सारी दुकानें खाली पड़ी है। एक बात और आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा ये दुकानें इसलिए बनवाई गई थी ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बाहर सब्जी लगाते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक होता है, उन सब चीजों से लोगों को निजात मिल सके। इसलिए ओवर ब्रिज पर ही एक साइड में एक अलग से एरिया देकर जिसमें लोगों को दुकानें अलॉट की गई थी। ये सारी सब्जी की दुकानें पहले पुल पर लगती थी, जिस वजह से तमाम तरीके की, मतलब सबसे ज्यादा जो मेन समस्या थी वो ट्रैफिक, उस समस्या से लोगों को काफी हद तक निजात मिल सकता था, पर तब मिलता जब शायद दुकानदार ये बात मानते, क्योंकि ये सारी दुकानें अलॉट हैं, उसके बाद भी दुकानदार यहाँ सब्जी ना लगाकर सब्जी अभी भी बाहर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद कस्टमर यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए जितने ग्राहक है सब बाहर की तरफ आते हैं, और फिर वही स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ पर दो चार दुकानें ऐसी हैं जो लगी हुई हैं अंदर, यहाँ पर लोगों से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, भैया आपकी दुकान है सब्जी की, आप यहाँ पे कब से दुकान लगाते हो? हमेशा से, जब से दुकान मिली है। दुकान अलॉट हुए लगभग 1-1.5 साल हो गया। हाँ, तभी से। तब आपको भी अलॉट हुई होगी। और ये सारी दुकानें क्यों खाली पड़ी है? वो बाहर लगाते हैं लोग। अलॉट है सबकी दुकानें, सारी दुकानें भरी। हाँ, अलॉट है, अलॉट सबके नाम है। अच्छा, ये लेकिन ये लोग फिर भी बाहर लगाते, फिर भी बाहर लगाते हैं, कोई वजह है ऐसी? वजह क्या है, बाहर दुकानदारी हो जाती है, अंदर आते ही नहीं कोई, हम लोग परेशान रहते हैं। अब ये एक और बड़ी समस्या होगी कि जब ये लोग भी बाहर लगाते हैं तो इन्हीं से बाहर सब्जी ली जाती है, तो मतलब आपका ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है, हम लोगों का खर्चा चलना मुश्किल है, यहाँ तक कि कर्जा हो रहा है मंडी का। तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि हम भी दुकान बाहर लगाएं? अब सोचना तो मजबूरी पड़ती है ना, मगर लगाते हैं फिर भी नहीं। अगर सब सारे लोग दुकानें अंदर लगाएंगे तो सब ग्राहक मजबूरी है कि अंदर आएंगे? बिल्कुल आएंगे अंदर। तो ये कब से सब बाहर लगाते हैं दुकान? जब इच्छा होती तब चले जाते। आपकी भी अम्मा इधर ही दुकान है सब्जी? हाँ, की हाँ। कहाँ पर है? हमारी जो है दुकान। तो आपने भी खोली नहीं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। बिकता ही नहीं, कहाँ करें, अब उजोर है संजय जोर, तनिक बहुत बिक जाए नहीं, नहीं। अच्छा। तो ये सब दुकानें उठी हुई हैं, उसके बाद भी सब बाहर लगाते हैं सब्जी? अब बाहर लगाते, मनते नहीं, कोई नहीं मनते। नगर निगम से कोई आता है कहने के लिए आप लोग अंदर लगाइए? ऐसे कोई आते आ जाए नहीं ना। अच्छा, तो लगभग ये सब लोग बाहर लगाए, आप लोग अंदर लगा के बैठे, तो ग्राहक इधर नहीं आ रहा? नहीं आ रहे, कतई बिल्कुल नहीं आ रहा। अब देखना जाके साइड में कितनी दुकानें लगी, सब बाहर खुल गई, और ये सारी दुकानें अंदर वालों की? सब अंदर वालों की, लगा के बाहर बैठे। आप इधर करिए, देखिए कैमरा करिए, सब बाहर लगाए। अच्छा, ये बताइए दुकानें नगर निगम की है? नगर निगम की है। नगर निगम से कोई नहीं आता कहने? आते हैं, पहले आते थे मगर अब थक गए हैं, वो भी नहीं आते, कहते हैं लेकिन सुनते नहीं है लोग। वो लोग मानते ही नहीं है ना, वो लोग लगाते ही बाहर है, काफी नोक झोंक भी उनसे नगर निगम वालों उन लोगों की। अच्छा। मगर वो लोग माने नहीं, फिर नगर निगम वालों मना कर दिया, इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, अधिकारी भी नहीं हटा पाए, काफी पहले हटाया भी, मगर फिर वो लोग आके भाई लगाने लगे। अब फल वाले जो है खास कर उन्हीं की वजह पूरे बाजार बाहर लगती है, सब ग्राहक भी वहीं जाता है। फल वालों को कहना है कि हम अंदर नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ का क्या कोई ज्यादा चार्ज आ जाए दुकान? चार्ज कुछ नहीं है, 300 रुपए बताए थे महीने के, वो भी जब से पड़े नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन नहीं मान रहे? नहीं, उसके बाद भी नहीं मान। आपकी भी यही दुकान है क्या? नहीं। तो इतनी बस गिनी चुनी दो चार दुकानें हैं जो इधर लगी हुई हैं, बाकी सब के सब भैया आपकी भी दुकान यही है? तो कब से लगा रहे हो आप यहाँ? जब से उधर सेट ही, जब से लगा रहे। बाकी लोग सब कहाँ लगा रहे? बाकी लोग इधर उधर लगा रहे, बाहर लगा रहे। तो ग्राहक फिर यहाँ नहीं आता होगा? नहीं, बहुत कम आता है, लगभग सब बाहर ही जा रहे हैं जी, क्योंकि दुकानें बाहर होने से मोस्टली ग्राहक क्या होता है कि वो रोड पे ही खरीदना ज्यादा कंफर्टेबल समझता है, इसलिए सब्जियां बाहर ले लेते हैं। अंदर की सब दुकानें उठी हुई हैं, उसके बावजूद भी सब दुकानें बाहर लगी, लेकिन लोगों का ऐसा कहना भी है कि नगर निगम के अधिकारी आते हैं वो भी थक हार गए लोगों को समझा के, क्योंकि यहाँ के जो सब्जी वाले हैं, जो फल बिक रहे हैं। आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान है, जो यहाँ बाहर सब दुकानें लग रही है, जो बाहर से आते हैं बेच बाच के चले जाते हैं। हम लोगों मंजी का मंडी कर्जा हो गया किसी 20,000 किसी 30,000, और लोग यहाँ शाम को सड़ा गल के फेंक देते हैं, दुकानदारी हो नहीं रही बिल्कुल, ये लोग बेच बाच के चले जाते हैं।
कृपया इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो जितने बाहर लगे इनकी बिक्री हो जाती है आप लोगों की? बिक्री हो जाती है, हम लोग बैठे रह जाते हैं यहाँ पे, ग्राहक लेके बाहर से निकल जाता है, ये समझ गए आप। और यहाँ कोई सुनाया नहीं होता, जिससे कहते वो कहता हम देख लेंगे, कोई कुछ नहीं करता इन लोगों। अधिकारी से आपने शिकायत की? कोई अधिकारी नगर निगम वाले आते हैं, वो थोड़ी देर हड़काते हो चले जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता एकदम इन पे, कोई एक्शन नहीं उठाता इन पे। इससे आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, मंडी का कर्जा वो नहीं निपट रहा है, इसी चक्कर में कर्जा चढ़ रहा है, जैसा हरा भरा है सड़ जाता है, फेंक देते हैं नदी में, बिकता नहीं, फेंकना पड़ेगा। दिन भर में कितनी बिक्री होती है? दिन भर में अगर हम मंडी 2000 का सौदा लाए तो 1500 का नहीं बिक पाता है यहाँ पे, जी समझिए इतनी बुरी हालात है यहाँ पे। देखिए इधर से जब आप आएंगे, मतलब अजीजगंज से जब आप गर्रा फाटक के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे एक दो दुकान बस उठी हुई है, वहीं आप मेरे पीछे सारी दुकानें खाली देख रहे हैं, तो वहीं उधर हनुमान जी के मंदिर की तरफ की 3-4 दुकानें जो अभी हमने आपको दिखाई, वो जिसपे बैठे हुए हैं सब्जी लेकर सब्जी वाले, बाकी खाली पड़ा है यहाँ पर अंदर, कोई भी दुकान लगाने को तैयार नहीं। आप कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? 2 साल है, जब से ये नगर निगम की तरफ से बनाई गई। हाँ, और बाकी लोगों की दुकानें कहाँ हैं? बाहर हैं सब, कोई लगाते ही नहीं, दुकानदारी नहीं होती है, अंदर नहीं होती है, तो आप क्यों लगाए हो? जो जगह गहरे अपनी लगाए हो, कस्टमर आते हैं, ग्राहक कम आते हैं, कम आते हैं। अच्छा, ये सब बाहर लगाते हैं हमेशा? हाँ। अधिकारी कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे? आते हैं लोग, कोई आते ही नहीं, फिर जाते, फिर चले जाते लोग, जब कोई कहने आता तो हटा लेते होंगे। हाँ। फिर लगा लेते हैं। हाँ। दुकान लगा रहे हो? अच्छा, दुकान ऐड हुई तो लगा रहे हैं। और ये सब लोग क्यों नहीं लगाते? अब बोलो बाहर लगा रहे, वहाँ जगह मिली लगाने को, जगह मिल रही है कि खुद ले ली है? लगाए हुए अंदर है ना, दुकान अंदर है, हम लोग लगाए बैठे, बाल बिकता नहीं, अंदर ग्राहक नहीं आता, ऐसे ही आते 2 दिन वाले, बेचते 3 दिन। और जब अगर ग्राहक बाहर नहीं उसको सब्जी मिलेगी तब तो अंदर आते होंगे? हाँ, तब तो आते हैं, तो ये लोग सब बाहर ही लगा रहे हैं। तो बाहर लगाए बैठे थे, पहली दुकान है शुरुआत में? मैं दो दुकान तो शुरुआत में, पहले यहाँ पे नो पार्किंग लगा रहे, इतने लोग बाहर बैठे, अंदर इतना मैल है, हम दुकान ही लगा पाते, हम कहाँ बेचेंगे बैठ के? नहीं, अंदर सारी दुकानें खाली पड़ी, तो मेरी दुकान लगाने की जगह कहाँ है? हम ये नहीं पूछ रहे आपसे, हम ये पूछ रहे हैं कि लगभग सब बाहर लगाए तो आप तक ग्राहक पहुँचता है कि नहीं? बहुत कम पहुँचता है, बहुत कम इक्का दुक्का आता है ग्राहक, और अंदर पूरी जो रास्ता देख रहे सब खाली पड़ा, ये लोग सब कहाँ चले गए? ये सब सारे सब बाहर बैठे हुए हैं, इनको अधिकारी मना नहीं करते? अधिकारी मना करते हैं, लोग भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, अधिकारी चले जाते हैं। सबकी दुकानें बाहर, क्योंकि ये हालांकि ये रास्ता इसीलिए यहाँ से दुकानें हटाई गई थी ताकि लोगों को जो ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, भारी भीड़ से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता, लेकिन अभी अंदर तक देखिए सब पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से ये बनवाया गया था लोगों की सहूलियत के लिए। दूसरा एक अच्छी मार्केट जो सब्जी मार्केट दिखती लोगों को, यहाँ पर लोग आकर अपनी गाड़ियां खड़ी करके अंदर सब्जी लेते, लेकिन जब ग्राहक को बाहर ही सब कुछ मिल रहा है तो वो अंदर तक चलकर क्यों जाएगा, क्योंकि सबकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, और क्योंकि सबको शायद पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई जाए तो सब्जी के ठेले खाली पड़े हैं, शायद सब्जी वाले भैया यहाँ पर नहीं है। आप यहीं पर, ये आपका ठेला लगा हुआ है, आपके अंदर दुकान अलॉट नहीं हुई? मैडम हाय, फिर यहाँ क्यों लगाते हो आप? सबकी बाहर लगी तो हमने भी बाहर लगाई अपनी। नहीं, सबकी तो नहीं लगी, बहुत लोग अंदर बैठे, बहुत लोग लगाए हुए, मेरा जो सब बाहर भागे तो हम लोग भी बाहर भागे, अंदर ग्राहक नहीं आते, अंदर ग्राहक आते ही नहीं है, तो जितनी दुकानें सब उठी हुई हैं अंदर, टोटल सब उठी हुई है, लेकिन सब बाहर है, जो बाहर लगाए वो कह रहे हैं अंदर ग्राहक नहीं आते इसलिए बाहर लगाए हुए, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर सब्जी के ठेले पर सब्जी वाले भैया नहीं है, और लगभग हर चीज की दुकान, चाहे वो फल हो सब्जी हो, सबकी दुकानें बाहर लगी, ये बीच रास्ते पर लगी हुई, शायद इसलिए भी लोगों को ये ठेले हटाए गए थे, अधिकारी आते हैं इसलिए भी ठेले हटाते हैं कि यहाँ पे जाम की समस्या ना बने, लेकिन उसके बाद भी लगभग ठेले यहाँ पर लगे, दुकानें यहाँ पर लगी, और आप दूर तक देखेंगे ना तो ये अजीजगंज चौराहे तक सारी दुकानें लगी, और ये सारी दुकानें अंदर अलॉट हुई है ताकि लोग अंदर अपनी दुकान कर सके, और उसके ये सब सामने आप जो देख रहे हैं रास्ते के उधर, इन सब की दुकानें बाहर अंदर लगाई गई है, लेकिन उनको जो ये समस्या बता रहे हैं कि ग्राहक नहीं आता है, इसलिए इन लोगों सब ने एक लाइन से सबने दुकानें बाहर लगा रखी है, जो एक बड़ी समस्या फिर वही बन के खड़ी हो गई, जो लोगों की सुविधा के लिए महानगर की ओर बढ़ता हमारा शाहजहांपुर चल रहा था, लेकिन लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है।